जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्वतंत्र भारत में सरकार बनी तो सबसे पहला काम जो हमारे संविधान में उन्होंने रखा, हमारे दलित भाइयों के लिए, शेड्यूल ट्राइब भाइयों के लिए रिजर्वेशन, नौकरियों में रिजर्वेशन, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन, विधानसभा में रिजर्वेशन, ये इससे उत्थान होता और जिससे वो समाज का एक हिस्सा, मजबूत हिस्सा बने। पार्लियामेंट और सरकारें चलाने में उनका योगदान तब से लेकर और आज तक चल रहा। माइनॉरिटीज फ्रांस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनी, स्कॉलरशिप उनके लिए रख दी और समाज का जो शोषित लोग थे, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हो, ओल्ड एज पेंशन रखी गई, विडो पेंशन रखी गई, हैंडीकैप पेंशन रखी गई, किसानों के बारे में भी बताया जाता है कि हमने उनके लिए नहीं किया। हमारी ही सरकार ने 90s में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, मैं उस कैबिनेट में मौजूद था, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, जब हमने ओबीसी के लिए रिजर्वेशन का कैबिनेट में बिल लाया और बाद में पास हुआ, रिजर्वेशन को, ओबीसी को रिजर्वेशन नौकरियों में मिले, इसी तरह से एससीएसटी के लिए हमने फेडरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस बनाई, बाद में ओबीसी के लिए फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाए, इसी तरह से स्कॉलरशिप एडमिशन होना, लेकिन एडमिशन काफी नहीं था दलित के लिए, एडमिशन काफी नहीं था स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में दलितों को शेड्यूल ट्राइब के लिए और बैकवर्ड के लिए या अल्पसंख्यकों के रखने के, खाली उससे काम नहीं बना, तो स्कॉलरशिप हमने शुरू कर दिया दलित के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, बैकवर्ड्स के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, हॉस्टल्स अलग बनाए, अनटचेबिलिटी का कानून, छूतछात का कानून कांग्रेस ने बनाया, सर पर मैल धोने की जो प्रथा थी उसको कांग्रेस पार्टी ने, उस पर कानून बनाया।